मैं कहूँ कि मैं आज से 1997 का दौर है उसमें पहुंच चुकी हूँ तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पुराने जमाने के जैसे पुराने जमाने के दौर के मकान होते थे उस तरह के हैं। इनकी ये दीवार थी ये बारिश की वजह से गिर गई। गरीब बंदा मजदूरी कहानी छोटे छोटे बाल कितनी मजदूरी लाभ लेनी तो करना ना तो घर खड़ा रहना वॉशरूम नहीं वॉशरूम भी कहानी नलका कहानी ना कहीं पानी वाला नलका भी नहीं आपका। अगर बंदे को कुछ हो जाए तो जो कोई इदारा नहीं है जिसको ये फोन कर सके कि आए हमें उठा के ले जाए, फोन ही नहीं सिग्नल ही नहीं है। हल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अल्लाह रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन आज एक ऐसी मैं कहूँ कि मैं आज से 1997 का दौर है उसमें पहुंच चुकी हूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। एकदम प्योर प्योर देहात है, ना कोई टावर ना कोई बिजली भी मर मर के यहाँ आई हुई है। यहाँ मोबाइल नहीं चलते, यहाँ कोई सर्विस नहीं है, यहाँ कोई ऊबर की टैक्सी की किसी किस्म की कोई वो सर्विस नहीं है और हर तरफ जंगल है। कुछ सड़कों का सिस्टम भी नहीं है, ऐसे बस रोड क्रॉस करके हम लोग बाइक पे किस तरह से यकीन करें कि क्रॉस करके आए हमें पता है। और ये देख रहे हैं आप सबसे बड़े मेरे पीछे देख रहे हैं पुराने जमाने के जैसे पुराने जमाने के दौर के मकान होते थे उस तरह के हैं। और ये बहन है सिस्टर आप इस तरफ है इस तरफ है। ये इनकी आपको पता है गरीब हो चाहे अमीर हो उसकी इज्जत नफ्स होती है, हर किसी की इज्जत होती है। अब ये इस तरफ देखें लोगों के मकान है, इनकी ये दीवार थी ये बारिश की वजह से गिर गई और ये इनके बच्चे हैं और छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और ये मकान देखें ये हर तरफ से धसा पड़ा है। कमाने वाला कोई नहीं है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़ी सास छोटे छोटे बच्चों के साथ ये किस तरह सरवाइव करते हैं इनकी मुंह जुबानी जानते हैं। आए इधर आए बैठे, बाकी इनकी दुख तकलीफें जो भी है इनकी मुंह जुबानी जानते हैं, ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? हमीद मई। हमीद मई कितने बच्चे हैं? तीन। तीन बच्चे हैं। ये सास है? दया। शौहर क्या करते हैं? देखिए अभी बात भी नहीं की इनकी आंखों से आंसू जा रही है। मैं क्या करूं, मैं खुद हैरान हूं, मैं क्या करूं? अच्छा मैं गरीब बंदा मजदूरी क्या निकला, ना कि मोबाइल चल रहे ना कचान छोटे छोटे बाल। शोर क्या करते हैं? कितनी मजदूरी लाभ लेनी है तो करना ना तो घर खड़ा रहना। मजदूरी मिलती है तो करते हैं नहीं तो घर होते हैं। यहाँ मजदूरी नहीं मिलती, यहाँ कोई बिजली या कोई बिजली मोबाइल का सिस्टम मैंने देखा है, कुछ भी रोड भी नहीं है, हर तरफ जंगल जंगल है। किस तरह गुजारा करते हैं आप लोग? बस अल्लाह से जीवन नसीब बना है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मकान भी मैंने देखा दीवारें टूटी पड़ी हैं, मकान टूटे पड़े हैं। कोई इदारा कोई लोग आप लोगों के पास नहीं आए? कोई बंदा नहीं आया क्या ना मदद करने के लिए? तो मेरी बहन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं आप बोले हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप रोए ना खुदारा रोए ना, नमाज पढ़ा करें ठीक है, कुरान पढ़ा करें, अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह ताला खुद वसीले बनाता है। आप खुद बताएं अपने अपने जो भी हालात है खुद बताएं क्या मसाइल अब इस वक्त आप सारे मकान क्या नहीं ना कोई हवेली है निके निके बच्चे हैं इतना एक बड़ी बात मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। पीछे लोग खड़े हैं काफी ज्यादा, मर्द भी खड़े हैं औरतें भी खड़ी हैं, वॉशरूम नहीं है। अब ये लोग खेतों में इधर उधर क्या करें आप बताएं, हर तरफ जंगल है उसके बाद वॉशरूम का मसला है, वॉशरूम भी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम भी क्या नहीं नलका क्या नहीं ना कहीं पानी वाला नलका भी नहीं आपका। ये देखे अब पानी तो ये अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह शिमर के दौर में तो नहीं रह रहे, इंसानियत के दौर में मुसलमान है जो पानी से भी। अब सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की क्या है? पानी, प्यास। एक प्यासे की प्यास बुझाना क्या चीज है जिनका पानी भी नहीं है, जो पानी भी तेरे मेरे घर से भर के लाते हैं। जो आपको देख रहे हैं मेरी बहन आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं, वो क्या मदद करें? कई मकान या वॉशरूम नलका ए देवन सारे निके निके बच्चे हैं अता किथा वन्यू जी हाँ कमाने वाला एक कमाला वाला एक के कहीं मेरे कितनी लग दिए कहीं मेरे कहना इतना है बाहर चा खड़ गया
बंदा वाल क्या करे, इतना गरीब बंदा। गरीब इंसान कहते हैं ना कि अमीर सफर करता है खाना हजम करने के लिए, गरीब काफी दूर मीलों सफर करता है सिर्फ खाना ढूंढने के लिए। आप इनके सब्र देखेंगे, ये लोग किसके पास जाएं? यहाँ हुकूमत को फोन करने के लिए, अगर बंदे को कुछ हो जाए तो जो कोई इदारा नहीं है जिसको ये फोन कर सके कि आए हमें उठा के ले जाए, फोन ही नहीं, सिग्नल ही नहीं है। यहाँ इन तक कौन पहुंचे और इनको राशन, या एक दुकान जो खाना सामान नॉर्मली सब्जी लेने वाली दुकान है वो भी काफी मीलों दूर है। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे और ये हर तरफ दिखाएं इन मजलूम और गरीब लोगों की जिनका वॉशरूम कुछ भी नहीं है, इनकी मदद करें। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह निगेबान।